आज मेरे सभी मित्रगण ऑटो पर सवार होकर हल्की हल्की बारिश में भीगते हुए पहुंच गए भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि नवरात्रि के इस पावन अवसर में हमें बुलावा आया है माता रानी का। फिर क्या, लोकल ट्रेन पर सवार होकर हम निकल गए डोंगरगढ़ के लिए, जहां ऊंची पहाड़ी पर है मैया जी का दरबार। वैसे तो मैं मिनी ब्लॉग्स बनाता हूं और लॉन्ग ब्लॉग बनाने की मुझे आदत नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बताना कि ब्लॉग कैसा है और साथ में जय माता दी भी लिख देना। हम आ गए मंदिर परिसर के अंदर। सबसे पहले हमें देखने को मिली कुछ दुकानें जहां प्रसाद वगैरह मिल रहा था। फिर थोड़ा सा और आगे जाने पर हमारी एंट्री हुई मंदिर के हॉल पे, जहां सबसे पहले हमने अपने ऊपर जल छिड़का। लेकिन जैसे ही हम मंदिर की सीढ़ी चढ़ने जा रहे थे, वैसे ही बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई। जैसे तैसे भीगते हुए हम एक शेड के नीचे पहुंचे, जहां बाकी श्रद्धालुगण भी बारिश से बचने के लिए खड़े हुए थे। बारिश और तूफान थोड़ा थम गया तो हमने फिर से ऊपर चढ़ना शुरू किया। डोंगरगढ़ की 1610 फीट ऊंची पहाड़ी पर हमारी माता रानी विराजमान है, जिनके दर्शन करने के लिए हमें पूरी 1000 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि राजा विक्रमादित्य यहां सुसाइड कमिट करने आए थे। तभी वहां मां बम्बलेश्वरी जी प्रकट हुई और उन्होंने उनको सुसाइड करने से रोका। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमें लगी प्यास तो हमने ले लिया एक बोतल पानी। पानी पीने के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमें दर्शन हुए शिव जी के। वहीं पास ही की एक दुकान से हमने मैया के लिए चुनरी और प्रसाद भी ले लिया। चलो मैं आपको पहाड़ी के ऊपर से शहर का नजारा दिखाता हूँ। नजारा एंजॉय करने के बाद हम बढ़ने लगे माता रानी के दरबार की तरफ, और साथ ही में भीड़ भी बढ़ रही थी। लेकिन इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें दर्शन करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। फिर माता रानी जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे मंदिर में भीड़ कम थी तो हमने अगरबत्ती जलाकर भगवान जी की पूजा की, और उसके बाद हमने किए ज्योति कलश के दर्शन। हर साल दोनों नवरात्रों में इस मंदिर पे 7000 प्लस ज्योति जलाई जाती है। सिर्फ छत्तीसगढ़ या इंडिया से ही नहीं, यूएसए कनाडा से भी लोग यहाँ ज्योत जलाने आते हैं। हम आगे थोड़ा सा और नीचे की तरफ, जहाँ से हमने घर के लिए प्रसाद और माता रानी जी की एक फोटो भी ले ली। उसके बाद रफ्तार में सीढ़ी उतरते हुए हम पहुंच गए नीचे, जहां रात में 2 बजे भी माता रानी का भंडारा चालू था। भूख तो हमें भी लगी थी तो हमने भी प्रसाद ले लिया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पैदल पैदल हम पहुंच गए छोटी बम्बलेश्वरी मंदिर पे। फिलहाल तो मौसम खराब होने के कारण मंदिर की लाइटिंग वगैरह ऑन नहीं थी, नहीं तो ये मंदिर और भी खूबसूरत दिखता। ये मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है और जो इसमें आर्ट वर्क हुआ है उसका तो क्या ही कहना। बोलो जय माता दी। माता के मंदिर के साथ ही बाबा भैरव और श्री गणेश जी का भी मंदिर है। तो भैरव और गणेश जी के दर्शन करने के बाद अब टाइम था हमारे वापस घर के लिए रवाना होने का। तो हमने टिकट कटवा ली, लेकिन ट्रेन पूरे 2 घंटे लेट थी। जब ट्रेन आई तो हमने देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि प्लेटफॉर्म पे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। चलो हम तो अपनी ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब और लाइक बटन को पकड़ो, और हाँ कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना।